उग्रवादियों के विरुद्ध व्यापक छापेमारी ऑपरेशन के बीच लातेहार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के सब जनरल कमांडर सह 5 लाख का इनामी उग्रवादी को गिरफ्तार कर जेल भेजने में सफल रही है। गिरफ्तार उग्रवादी का नाम शिवराज सिंह भैंसमारा लातेहार निवासी है और उक्त गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के तरवाड़ी इलाके में हुई है। मामले पर जानकारी साझा करते हुए SDP अरविंद कुमार ने बताया कि लातेहार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड जनमुक्ति परिषद का हार्डकोर नक्सली सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह सदर थाना क्षेत्र के दुनियाही खेल मैदान में फुटबॉल देखने पहुंचा है। सूचना पर गठित टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके बाद टीम ने सब जोनल कमांडर को धर दबोचा। आपको बता दें कि उक्त नक्सली पर जिले के विभिन्न थाना में एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। दिनांक 17/9/2024 को पुलिस अधीक्षक लातेहार को निगम सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के एक इनामी नक्सली है, जिसको 5 लाख रुपये इनाम रखा गया है। नाम शिवराज सिंह है, जो भैंसमारा का रहने वाला है और बहुत सारे कांडों में ये वांछित था पूर्व से ही। इसमें साहब के गुप्त सूचना के आधार पर अनुमान पुलिस के अधिकारी लातेहार के नेतृत्व में और लातेहार थाना के पुलिस पदाधिकारियों के साथ जो है टीम का गठन किया गया। उनकी एक सूचना मिली कि ये तरवड़ी के आगे एक फुटबॉल ग्राउंड है बड़ा तालाब के सामने, वहाँ पर फुटबॉल मैच हो रहा है। उसी फुटबॉल मैच को भी देखने के लिए अपने सहयोगियों के साथ आया हुआ था और कुछ प्लान योजना बनाने की सूचना थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी दिनांक 17/9/2024 को पुलिस अधीक्षक लातेहार को निगम सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के